उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। पता चला ना बेटी हुई है तो तलाक भेज देगा इसको फौरन। शौक पूरा हो गया तुम्हारा? बाप दादा की इज्जत मिट्टी में मिला के? बेटी बीमार है। जिंदगी में भी कोई किसी का नहीं है। ये रिश्ते होते ही बड़े नाजुक हैं। इनमें पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ हीरा का शौहर बहुत अच्छा है, पर बिजनेस के मामले में कोई किसी का सगा नहीं होता। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। तुम उस रिश्ते को बिला वजह इतना मत खींचो कि ये नासूर बन जाए। सोचो इस बारे में, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कैसे हो? कौन? वही जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा। तुम सीरियस हो? हाँ, मैं सीरियस हूँ। हाथ जो कुछ चल रहा है ना, उस सब पे नजर है मेरी। यू फनी। अच्छा परेशान मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक हो जाए। अजीब लोग हैं, कब से बैठे हुए हम, कोई पूछ नहीं रहा। बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? सॉरी। अरे मेहमानों से मिलने का रिवाज ही नहीं लगता है इस घर में। नहीं नहीं, यकीन कर मुझे, किसी ने बताया ही, मुझे पता ही। भाभी कहाँ है? बेटा वो बाहर है, मैं मिलकर आती हूँ उन्हें। हाँ जरूर जरूर जा। वैसे आप ही घर का रिवाज है बड़ा अजीब, कब से लड़की को घर पे बिठाया हुआ है आपने? हाँ इसलिए कि अहमद वीजा जो नहीं भेज रहा। अरे तो ससुराल वालों से रابطہ भी नहीं रखना क्या? ये रिवाज भी नहीं है आपके खानदान में। भाभी आप तो यहाँ आकर बैठ ही गई हैं, ऐसे में मेरी बात हादी से कैसे आगे बढ़ेगी? आप अभी तक नाराज हैं भाई से, वो बुला लेंगे आपको। पता क्या है, मैंने तो हादी की भी बात कर ली भाई के साथ, वो उन्हें भी बुला लेंगे। अच्छा जो शख्स मेरा वीजा नहीं लगवा सक रहा, वो हादी का भी वीजा लग पाएगा? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अपनी खुशी से आई हूँ? हर नजर मुझे देखती है, सौ सौ सवाल करते हैं सब मुझसे। आज मैं जिस हाल में हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। और तुम यहाँ आकर मुझे अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुना रहे हो? भाभी आप इस वक्त गुस्से में, चलाए अंदर चलिए, अम्मी आएंगी। आ जाओ। आगे तुम्हारा पूछ रही थी बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा बैठो। तो हादी की कहीं बात नहीं छेड़ी आप लोगों ने? नहीं, वो अरसला की बातचीत चल रही है, उसकी शादी हो जाए तो फिर हादी के बारे में भी सोचेंगे। नहीं नहीं, लड़कों की शादी पहले कर देनी चाहिए, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो गई है, पता नहीं क्या क्या चलाकियां करती हैं लड़कों को फंसाने के लिए, लड़के तो खतरे में बेचारे। लेकिन आंटी हादी बहुत समझदार। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। समझ में नहीं आ रहा, हीरे जैसा हादी अगर मेरे घर में होता तो मैं अपनी बच्ची को बाहर तो ना देती। लेकिन मेरा भी अहमद नाखों में एक है ना। क्या मतलब? मैं सोच रही थी क्यों ना हम हादी से सिला की बात छेड़े, अहमद उसे भी बाहर भिजवा देगा। नहीं नहीं, आजकल के लड़कों का तो आपको पता है ना, मैं करती हूँ कुछ। सिला कहती कि हादी तो किसी को आंख उठा के भी नहीं देखता, कितना प्यारा बच्चा है। उसकी बहन और तबीयत की है, लेकिन चलो वो तो अपने घर की हो जाएगी ना। आप एक बार अहमद से तो पूछ लें। क्यों कोमल? पता नहीं। अरे बेटा हमने एक एक करके अपनी नंदों के घर बसाए हैं, तुम्हारी तो एक ही नंद है, पता नहीं कैसे कह रही हो, कैसी बातें कर रही हो।
चलें कोई मुनासिब वक्त देख के फिर चलाएंगे बातचीत, इंशाल्लाह करते हैं इस मसले का भी। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, हमारे यहाँ की कचोरियाँ बहुत मशहूर हैं, मैं गरम गरम बनवाती हूँ। कोमल बेटा तुम बैठो। एक्सक्यूज़ मी बेटा। हेलो, आपका काम हो गया था? हाँ हो गया था, बस कल तक मैं डॉक्यूमेंट्स पूरे करके भेज दूंगी। अच्छा, आपको जल्दी है? नहीं, फाइल कहाँ पर है? एक सेकेंड। ओह गॉड, आई थिंक कल जिस गाड़ी में थी उसमें मैं डॉक्यूमेंट्स भूल गई हूँ। आप इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाती हैं? फाइल मेरे पास है, आप भूल कर चली गई थी, आपको कॉल आई घर से और आप जल्दी में निकल गई। थैंक गॉड, वरना ये काम तो नहीं होना। तो मैं फिर फाइल ले आऊं आपके पास, आप साइन कर देंगी? इज इट पॉसिबल कि आने से पहले जब आप करीब आ जाओ तो मुझे फोन कर दें, मैं बाहर आ जाऊंगी। श्योर, आई विल डू दैट। एक्चुअली अम्मा घर पे नहीं है तो। सी यू। अहमद का फोन आ रहा है, अब तो मुझे फोन आ रहे हैं उसके, वो मुझे फोन कर रहा है बार बार। अब मैं कब तक झूठ बोलूं कि तुम सो रही हो? बेटा ऊंच नीच तो होती रहती है जिंदगी में, अभी तो तुम्हारी शादी और तुम यहाँ आके बैठ गई हो। अम्मी वो मुझसे झूठ बोल रहा है, उसका कोई प्लान नहीं है मुझे बुलाने का। और मैं आपको बता दूं, मैं भी उसके घर जाके नहीं रहूंगी, मुझे नहीं आदत। कितने पैसे चाहिए तुम्हें घर चलाने के लिए मुझे बताओ? आपके पैसे नहीं चाहिए, और यही बात है तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? यहाँ रहने में क्या मसला? कोमल बेटा देखो, अगर जो कर रहे हैं ना करो, कोई जबरदस्ती नहीं। अब्बू वापस नहीं जा। ठीक है, मैंने ऐसे चालबाज लोग पहले कभी नहीं देखे। तुमने देखा क्या है अभी बेटा? इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, और आप ये क्या सबक सिखा रहे हैं इसे? एक तरफ अरसला है, पता नहीं किस तरह के रास्ते पे लेके चल रही है इसे, और एक तरफ आप है। जा कहाँ रही हो अब कोमल? Thank you.
कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? बताऊँ तुझे कौन हूँ मैं? साले, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? क्यों लगाता है? क्यों लगाता है मैं? तभी क्यों लगाता है मेरे घर का चक्कर? क्या हो रहा है ये? कौन है ये? छोड़ूंगा नहीं मैं ऐसे। पूछे इससे क्यों आता है मेरे घर के पास? चचा, खुदा की कसम मैं तो इस बंदे को पहली दफा देख रहा हूँ, जानता भी नहीं हूँ उसको मैं। और मेरी बहन को? ओ भाई, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को नहीं जानता, निकलो यहाँ से। अच्छा, तो तू कायनात को नहीं जानता? तो पूछे इसे क्या कर रहा था मेरे घर के नीचे? कायनात? जैसा वो ऑफिस में काम करती है। काम करती है ऑफिस में? तो तू फिर घर के भी चक्कर लगाएगा, कल को घर में घुस जाएगा। बता रहा हूँ तुझे, काट के फेंक दूंगा तुझे अगर आइंदा मोहल्ले में नजर आया तो। समझा लेना इसको। मुझे कुछ नहीं सुनना आदि, कुछ नहीं सुनना, रह क्या गया है सुनने में? लेकिन चाचा, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं तो उस बंदे को जानता तक नहीं हूँ। लेकिन उसकी बहन को तो जानते हो ना, जिसको अब हम सब जान चुके हैं। और कब से चल रहा है ये सिलसिला? चाचा, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी पता है? अगर तुम्हें पता है तो इसका मतलब है तुम्हारी अम्मी को भी पता होगा। भाई, मेरे घर में ये सिलसिला कब से चल रहा है मुझे पता है? कोई एक शख्स घर के दरवाजे पर आता है, वो तुम्हें कायनात का आशिक कहता है, तुम पर हाथ उठाता है, और तुम कहते हो कि अभी बात एक्सप्लेन करने की जरूरत है। रबिश। घर मेरा है, मेरे घर की छत के नीचे क्या गुण खिला रहे हैं? Was it necessary? जी चाचा, वो जरूरी था। बहुत हिम्मत है भाई तुम्हें। चाची, आपसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारी सूरत नहीं देखनी, बात करना तो दूर की बात है। चाचा, इसकी कोई गलती नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। चलो, जब भी आते हो इन लोगों को परेशान करते हो। जाओ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो तू कायनात को नहीं जानता, तो पूछे इसे क्या कर रहा था मेरे घर के नीचे? ऑफिस में काम करती है। तो तू फिर घर के भी चक्कर लगाएगा, कल को घर में घुस जाएगा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ एक शीशा ही तो टूटा है। क्या हो गया? हाँ हाँ बेटा, वो लेकिन ये लेकिन क्या? हाँ लेकिन क्या? What's the big deal? उसे ग्लास उधर टूटा है। मैं आपका नुकसान हुआ है क्या? नहीं 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 मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है बेटा। चलो मेरे साथ अपने अब्बा के कमरे में। कहीं नहीं जा रहा, मुझे कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। क्या हो गया बेटा? क्यों मुझे परेशान कर रही है? मुझे पता था इनकी असलियत, ये है उनका असली रूप। मुझे पता था कि वो बस बस कर दे अम्मी, कुछ नहीं सुनना मुझे। कुछ नहीं सुनना मुझे। अमल के पूँ हर तरफ धूप खड़ी है, कहीं पर साया नहीं। छूले कर कोई बादल यहाँ आया नहीं। मैं तो बारिश की तलब लेके निकल आया था, मैं तो बारिश की तलब लेके निकल आया था। ख्वाब में भीगती बरसात से धोखा खाया। I'm so sorry आदि, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। आप ठीक हैं? हेलो, क्या
कायनात सो गई है। कावे का वो दोस्तों के साथ है। जी नहीं, यहां से हादी को उसने फॉलो किया अपनी बाइक पर, उसके घर पर पहुंचकर उसको मारा पीटा, सबके आगे पता नहीं क्या क्या बोल कर आया। अब सबको सब पता, क्यों कर रहा है वो इस तरह मेरे साथ। हादी यहाँ आया था, उसने हॉस्पिटल की मेरी पेमेंट की थी, उस फाइल्स पर सिग्नेचर लेने आया था। वो घर तो नहीं आया। क्यों मेरे लिए दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल कर रही है? बेटी है मेरी, बीमार है अम्मा, दो पैसे कमाने थे उसको बोले मुझे। भाई ये गैरतमंद है। क्या करूं मैं, क्या करूं अम्मा? तो मैं क्या करूं, बेकी भी औलाद की माँ क्या करे? बताओ तो सही ना मुझे, बताओ क्या करूं मैं? तुम्हारा बाप ये सब कुछ देखने से पहले ही मर गया। पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूँ। ये जो तुम मुझसे शिकायतें करती हो ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता, समझी? तो जानती हूँ मैं अम्मा, लेकिन हादी भी तो ये सब डिजर्व नहीं करता ना। अब आप छोड़ दे, मैं हैंडल करूंगी, बिल्कुल बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुश्किल कर दिया मेरे लिए यार इसने सब। फल्ला हादी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, यही वजह थी। मेरी तरफ देखो। क्या देखूं? कोई चोरी नहीं की है मैंने, जो मैंने उसके लिए किया ना, अगर मैं ना करता ना तो कोई और कर देता। बाहर और भी बहुत सारे बेसहारा थे। अरसला मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, उसको नौकरी की जरूरत थी, मैंने उसकी मदद कर दी, और आइंदा भी अगर उसे हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा। तुम वो कौन? किसका? उस कायनात के कौन हो तो तुम ये जाके उसी से पूछ रहे हो ना? क्यों, मैं क्यों पूछूं उससे? मेरा क्या ताल्लुक है उससे? ताल्लुक तो तुम्हारा है ना उससे, और अभी जो उसका भाई जो कुछ कह कर गया है उसके मुताबिक तो तुम तो क्या? मैं बताओ, क्या मैं और क्या अहमद और क्या तुम और क्या हम सब, और क्या ताल्लुक है हम सबका कायनात से? ये फैसला अभी होना बाकी है। कुमार, तुम मुझे छोड़कर? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, नहीं छोड़ के गया था मैं, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ था ही नहीं। मैं सिर्फ एक खाब था और तुम भी एक खाब, और बीच में ये आग। दुश्मन कायनात को जोड़ दिया, और देखना इस आग की लपेट में अभी बहुत कुछ आने। और मैं जानबूझकर कायनात के पास गया, वो अकेली थी, उसे मदद की जरूरत थी, और उस वक्त उसके पास सिर्फ मैं था और कोई नहीं था। और आज के बाद भी अगर उसे मदद की जरूरत पड़ी ना तो मैं करूंगा उसकी। And you think it's simple? No, it's not. हो कौन उसके? ये तो मेहमत से जाके पूछो कि वो कौन है उसका। हादी? मैं क्यों बताऊं? क्यों बताऊं मैं? पूछे ना जाके उससे। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी मुझे आपने ये सजा दी है? क्या मैं इसी रवैये का मुस्तहिक था? सीना सपर होकर खड़ा रहता था आपके लिए? अरे भाई, बच्चों की बातें बच्चों तक ही रहने दो, ये पूरे खानदान का मसला है। आप क्या समझती हैं कि आदि अहमद की बीवी की तरफदारी क्यों कर रहा था? दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। रात को बहुत देर हो गई थी। हाँ। हाँ से काम नहीं चलेगा, क्यों इतनी देर से आए? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या जरूरत थी हादी के घर जाकर उसको मारने की? समझते क्या अपने आप को? शिकायत लगाई उसने तुम्हें? शुक्र करो कि शिकायत लगाई है, वरना थाने में बंद होते तुम इस वक्त। समझते क्या अपने आप को? तुम क्या समझती हो खुद को?
हाँ? दूसरी बार देख रहा हूं उसे घर के बाहर, फिर से शुरू। कामी वो मेरा कुलीग है, और अगर तुम्हें इतनी गैरत है तो ठीक है, छोड़ देती हूँ सारा काम, बैठ जाती हूँ मैं घर में लाव कमाकर। दिखा दी अपनी असलियत, हराम है इस घर की रोटी भी मुझ पर। कामी ये ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है मामा, क्या ठीक कह रही है? ये लोग बाहर बातें बना रहे हैं, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जानते हो वो कौन है? हाँ तुम्हें पता है कि दैना? नहीं अम्मा नहीं, बस इसको पता होना चाहिए ताकि। क्या हो गया अम्मा? नहीं हुआ कुछ नहीं। कायनात तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कह रही हूँ जाओ अपने कमरे में, जब मैं मर जाऊँ ना फिर बढ़ाना इस बात को। मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो। कामी भी तो उसको तलाक भी नहीं हुई है, क्यों उसको रुस्वा करने पर तुले हुए हो तुम? बीच चौराहे पर किसी को मारने का मतलब समझ रहे हो तुम? दुनिया वालों को खुद ही बता रहे हो कि तुम्हारी बहन बुरी है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है हादी ने पूरे अस्पताल का खर्चा उठाया है इसका, पूरी डिलीवरी का खर्चा उठाया है इसने, एक पैसा नहीं देना पड़ा हमें। शरीफ लड़का है वो, और कायनात का उसके साथ ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, मैं जानती हूँ। अच्छे खानदान का लड़का है वो। भाभी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम बताओ कैसे आना है, कोई काम है? बस ऐसे ही, कई बार आपको फोन मिलाया, आपने शायद देखा ही नहीं, तो सोचा आपका हाल पूछा। ठीक हूँ मैं, भाभी मैं जरा हादी को देख लूँ, मैं देख कर आती हूँ। कोई काम है आपको? जी काम तो था, मगर आप तो मेरा फोन ही रिसीव नहीं करते, कोई नाराजगी है क्या? क्योंकि मैं बहुत मसरूफ होता हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही, तो मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प ले लूँ। देखें मैं वाकई बहुत मसरूफ होता हूँ, आप कोई प्रॉपर ट्यूशन ज्वाइन करें। सिला जी भाभी तुम अभी तक यहीं पर मुझे देखने के लिए आई थी ना, देख लिया जिंदा हूँ मैं, अब गाड़ी मंगवाओ या खुद ही चली जाओगी? भाभी वो बस मुझे कुछ सब्जेक्ट के लिए गाइड करे। तुम क्या चाहती, अपने भाई की तरह के किसी शख्स से शादी करना चाहती हो? बोलो बताओ क्या हो गया भाभी, रिलैक्स करे, भाई बहुत जल्द आपको बुला लेंगे, अब इतने भी बुरे नहीं है वो। तुम चलो मुझे से। भाभी मेरी बात, हेलो, मैं कामरान, कायनात का भाई। यार हादी मुझे माफ कर दो, हेलो हेलो क्या क्या हुआ? फोन काट दिया, यहां तो बंदा माफी भी नहीं मांग सकता। माफ, वो इतना अच्छा लड़का है तो हो सकता है वो कायनात को पसंद करता हो, इतनी मदद की है उसने इतने मुश्किल वक्त। एक ऑफिस में काम करते हैं दोनों, बच्चे की पैदाइश पे उसने इतना खर्चा किया है, सिर्फ फरिश्ते सिफत इंसान के तो मैं पांव धोकर भी आऊं। मेरा ख्याल है कि ये अहमद वाले मामले को रफा दफा करें, इससे बात चलाते हैं, वाकई में बहुत बहुत अच्छा इंसान है ये। मैं खुद जाऊंगा उसके पास माफी मांगने, बल्कि मां तुम भी चलो साथ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगा? अरे
बस तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे एक बात समझ आ गई तो आ गई, तुम मैं करूंगा उससे, मैं खुद माफी मांगूंगा। मैं आपसे एक सवाल करती हूं जी, इस दिन के लिए पाला था इस खानदान को आपने, क्या आखिर में हमारे साथ ये सलूक करें? मैं कहती हूं कोई कम जर्फ से कम जर्फ भी इंसान होगा ना, अगर वो किसी के घर का पानी पिएगा तो उसे नुकसान पहुंचाने से पहले एक दफा सोचेगा जरूर। और ये तो आपके अपने हैं, आपका शहजादा, आपका वली अहद, पता नहीं कौन लोग हैं ये, मेरी तो समझ से बाहर है। आपने कोमल की हालत देखी है ना, उसका गुस्सा, उसकी मेरे लिए नफरत, ये सब इन दोनों बहन भाइयों की लगाई हुई आग है। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने पहले कायनात की मदद करनी चाहिए, और अब तो खैर इश्क माशूकी तक बात पहुंच चुकी है। मेरा मुशाहिदा है जी कि इन लोगों को हमारे दुश्मनों से ना कोई खास हमदर्दी है, बोझ रखते हैं दिल में। आप भी निकाल क्यों नहीं देते इस खानदान को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ कि कोमल कैसी है? कैसी होगी कोमल, जाहिर है एक तरफ उसे अहमद से मुतनफ़िर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये खेल खेला जा रहा है, वो बेचारी क्या करे? आप खुद सोचें जरा, अगर अहमद को पता चल गया कि ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं तो कैसी कयामत आएगी। जैसा भी है तो हमारा दामाद ना, और वैसे भी अगर ठंडे दिमाग से सोचें, उसने कायनात को छोड़ के हमारी बेटी को अपनाया, उसे चाहा, और ये हमारी नाक के नीचे उसी की पीठ में छुरा घोंप रहे। और वाह, इश्क आशिकी करने के लिए इन लोगों को हमारे दामाद की पहली बीवी मिली थी, और आपकी भाभी को सब पता था। अरसला तो खैर बहुत आगे आगे थी, लेकिन वो भी आग लगाने वालों के सरदार ही हैं। मेरा बस चले ना तो उनसे पूछूं जरूर आपकी भाभी से कि ये बदला दिया है हमारे एहसानात का। लेकिन मैं डर जाती, मेरी कोमल पहले ही बहुत डिस्टर्ब, कहीं खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। अरे अली, आओ आओ, लगता है तुमने कचौरियों की खुशबू सूंघ ली है। बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कचौरियां लाती हूँ चाय के साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आया, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, आप बैठे। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी मुझे आपने ये सजा दी है? क्या मैं इसी रवैये का मुस्तहिक था? सीना सपर होकर खड़ा रहता था आपके लिए। अरे भाई, बच्चों की बातें बच्चों तक ही रहने दो, ये पूरे खानदान का मसला है। आप क्या समझती हैं कि आदि अहमद की बीवी की तरफदारी क्यों कर रहा था? लॉयल्टी, एहसास, वफा सब मर गया है। अगर हमने कोमल की शादी उससे नहीं करवाई तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो साजिशें करता फिरे, बेशर्म कहीं का। अरे तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, बेटा है वो तुम्हारा। उसने मेरे भरोसे को तोड़ा, मुझे अंधेरे में रखा। आप सब मिले हुए, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए भाई हो तुम मेरे। देखो बात यह है कि अगर मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और मेरे कॉलेज में अहमद की बीवी भी जॉब कर ले तो इसमें मेरा क्या कसूर? इसी तरह हादी की कंपनी में वो पहले से जॉब करती थी, उसकी कोलीग है वो। ये बात बताई भी जा सकती थी, बताने से और बदमजगी होती। मुझे हादी ने शुरू में ये बात बताई थी कि अहमद ने कायनात की माँ को पिटवाया था, इसलिए वो लोग डर कर यहाँ से चले गए। तुम्हें याद है तुम गए थे अरसला के साथ किसी के घर? तो मुझसे ये बात क्यों छुपाई? किसी निहत्थी लड़की की जान को खतरे में डालना कहाँ का इंसाफ है? मैं एक वकील हूँ चाचा, जब किसी की जान और माल की जिम्मेदारी लेती हूँ तो फिर उसे निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसका मतलब है कि हमारा रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता। चाचा हूँ, सगा चाचा,
बाप के बराबर होता है। कायनात के बाप तो नहीं। क्लाइंट है तुम्हारी? बन सकती है, अगर मुकदमा लड़ना पड़ा तो लड़ूंगी। कोमल के दुश्मन का साथ दोगी तुम? नहीं, मैं हादी की दोस्त का साथ दूंगी। मेरा प्रोफेशन मुझे हक और ईमानदारी की बात सिखाता है। आप ही कहते थे ना चाचा, अगर हक के लिए अपने बाप से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाना। मैं तो वकील ही आपकी वजह से बनी। आप ही तो कहा करते थे, जीत गई तो क्या कहने और हार भी गई तो बाजी मात नहीं। कोमल को मात दो, इस तरह उसका घर उजड़ सकता है। तुम्हें कुछ ख्याल है, एहसास है कि तुम उसके भरोसे को तार तार कर दोगी? उसका कसूर क्या है? क्या चाहती हो? उसको कायनात के मुकाबले में खड़ा करके हमको नीचे दिखाना चाहती हो? क्या यही इरादा है तुम दोनों बहन भाइयों का? चाची, आपके दिमाग में इतना कुछ भर देती है कि आप हक और नाहक का फर्क ही भूल जाते हैं। अपना ही सिखाया हुआ सबक भूल जाते हैं आप। इस दुनिया में हम लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग जिंदा रहते हैं चाचा, और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं हम लोगों की। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है, शायद इसीलिए आज इस हाल में। तुमको अंदाजा है कि तुम लोग कोमल को कैसे आइसोलेट कर रहे हो? आप उसके बचपने को इग्नोर कर, आपको अंदाजा भी नहीं है वो कैसे कैसे और किस किस तरह के लोगों के साथ मुकाबला करेगी। मुझे अफसोस है, लेकिन ये वक्त फसल काटने का है। और वैसे भी चाचा, कांटों के बीच बोने के बाद आप फूलों के उगने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? हादी और कायनात सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ कॉलीग्स हैं। आप हादी को उस रेश पे मत लाएं जहाँ पे उसको कोई सख्त कदम उठाना पड़े। मेरा भाई नहायत हमदर्द और बावफा इंसान, उसने भी आपकी तरह एक मोहब्बत करके देख ली है। अगर आप चाहें तो जाकर ऑफिस से पता कर सकते हैं, और आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। और जो मैंने कहा है वो चची की सोच है, और मैं उनकी अकल की बिल्कुल भी कायल नहीं। आखिर हो क्या गया है कोमल तुम्हें बेटा? कुछ नहीं, सोने दे मुझे। अच्छा चलो उठो, कुछ खा पी लो, उठ जाओ। मैं आप मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ते? सुबह सोई हूँ मैं, नींद नहीं आ रही थी मुझे, फिर आपको की दवा लेनी पड़ी। इन कमबख्तों का यही तरीका रहा है। माँ हूँ मैं तुम्हारी, सारी जिंदगी गुजारी इन लोगों के साथ, अच्छी तरह जानती हूँ इनकी खसलत को, पीठ पीछे वार करती इसकी माँ। मैं थक गई हूँ अम्मी, बिल्कुल थक गई हूँ। अच्छा भाई, अहमद से बात तो कर लो, वो बेचारा इतनी दूर मेहनत मजदूरी कर रहा है और तुम उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती हो। क्यों बेटा है? वो इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है ताकि तुम्हें अलग घर लेके दे सके यहाँ। वैसे भी उसकी अतात तो लाजिम है ना तुम पे, अच्छा है बुरा है जैसा भी है तो सिर्फ तुम्हारा। और मैं? क्या मैं बेवकूफ? और कितनी असलियत देखनी है हादी की और अरसला की? ऐसा नहीं है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसे शादी करनी है तो करे, मेरी जिंदगी में कायनात। हम सबको नीचा दिखाने के लिए आस्तीन के सांप है ये। खैर छोड़ो, मैं नाश्ता बना रही हूँ, आ जाओ। हर तरफ धूप खड़ी है, कहीं पर साया नहीं। छूले कर कोई बादल, यहाँ आया नहीं। खाब में भीगती, खाब में भीगती।
हाथ से धोखा खाया, दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। चलो शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनी। मेरे वीसे का क्या बना? बताया नहीं अम्मा ने? हाँ या ना, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। देखो कोमल अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। अगर आप बुलाना चाहेंगे तो नहीं लगे। तो मतलब तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? और ये महकमे में कब तक बैठी रहोगी तुम? मेरी बीवी हो ना? मैं बीवी आपकी, आपके घर वालों की नहीं। देखो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। हिम्मत, मैं एक हाउसवाइफ, मुझे इससे ज्यादा साथ देना आता ही नहीं कि बीच में लटके रहने के बावजूद मैं इस शादी में। बस किसी भी तरह मुझे वीजा भेजे, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। अगर आपको पता चले कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है तो आप। उस पहली मुलाकात से धोखा खाया तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत, तुझे सीने से लगाया था कभी, क्या सितम है के, क्या सितम है के, क्या सितम है के तेरे हाथ से धोखा खाया, क्या सितम है के तेरे हाथ से धोखा खाया।